Hey guys, welcome to Gadgets Life. So, आज हम speed test करने वाले between iPhone 11, 12 and iPhone 13, जो कि हैं all time favorite iPhones. And देखते हैं अब 2023 में तीनों iPhones कैसा perform करते हैं. iPhone 11 2019 में launch हुआ था, इसमें मिलती है A13 Bionic chip, 4GB RAM. वहीं iPhone 12 launch हुआ था 2020 में, इसमें मिलती है A14 Bionic chip, again 4GB RAM. And iPhone 13 launch हुआ था 2021 में, इसमें मिलती है A15 Bionic chip, again 4GB of RAM. So, सबसे पहले कर लेते हैं boot test and देखते हैं boot speed में कितना difference रहता है. तीनों फोन्स को हमने कर दिया टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं तीनों फोन्स को टर्न ऑन एट द सेम टाइम. एंड गाइस, इन तीनों फोन्स के कंपैरिजन के जो रिजल्ट है काफी सरप्राइजिंग होने वाले हैं. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड वहीं अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन. ओके, सो आईफोन 13 बूट हो चुका है, उसके बाद आईफोन 12. यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट वहीं आईफोन 11 को बूट होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है. सो तीनों ही iPhones अपडेटेड है लेटेस्ट iOS पे एंड तीनों ही iPhones में एग्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड है. सो सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की. Geekbench 5 में आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं. सो आपको तीनों ही iPhones के बेंचमार्क स्कोर्स में मार्जिनल डिफरेंस मिलता है. वहीं GPU के बेंचमार्क में तीनों ही iPhones में लगभग 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है. सो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को. सबसे पहले लॉन्च करते हैं यूट्यूब. ओके, आईफोन 11, 12 देन आईफोन 13, देन लॉन्च करते हैं Amazon. सो यहाँ पे तीनों iPhones काफी क्लोज थे, बट अगेन iPhone 11 स्लाइटली फास्टर था देन फ्लिपकार्ट. सो यहाँ पे भी तीनों iPhones काफी ज्यादा क्लोज थे, काफी अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है स्पेशली iPhone 11 में, देन हॉटस्टार. सो अगेन यहाँ पे भी स्पीड काइंड ऑफ सिमिलर थी. देन लॉन्च करते हैं प्राइम वीडियो. iPhone 12, iPhone 11 देन iPhone 13, देन लॉन्च करते हैं अगली एप्लीकेशन Spotify. iPhone 12, 13 देन iPhone 11. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे iPhone 11 काफी ज्यादा अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है एंड यहाँ पे देखने से ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है दैट iPhone 11 iPhone 13 से 2 साल पुराना है एंड ज्यादातर एप्लीकेशन या फिर गेम्स में काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है. वही बात करें टेम्पल रन 2 की, यहाँ पे iPhone 13 देन 12 उसके बाद iPhone 11. सो यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस सीरीज में था जनरेशन बाय जनरेशन. देन लॉन्च करते हैं अगली गेम फ्रूट निंजा. सो अगेन यहाँ पे भी जो स्पीड में डिफरेंस है काइंड ऑफ कांस्टेंट है 13, 12 देन 11. देन लॉन्च करते हैं जेटपैक जॉयराइड. ओके, सो यहाँ पे तीनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज थे बट आईफोन 13 फर्स्ट था देन पिन आउट. अगेन आईफोन 13, 12 देन 11. देन लॉन्च करते हैं BGMI. सो अगेन यहाँ पे भी जो डिफरेंस है काइंड ऑफ काफी कांस्टेंट है, मतलब कि जितना डिफरेंस आईफोन 13 से 12 में उतना ही 12 से 11 में, एंड हार्डली आपको 1 से लेकर 2 सेकंड का ही डिफरेंस मिलेगा. सो काफी सारी एप्लीकेशंस एंड गेम्स हमने लॉन्च कर ली. अब देख लेते हैं मल्टीटास्किंग कितना डिफरेंस है. तीनों फोन्स में मिलती है 4GB की रैम, बट एज यहाँ पे चिपसेट में डिफरेंस है सो हम देखते हैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस रहता है. यूट्यूब तीनों फोन्स की मेमोरी में है एग्जैक्टली सेम, देन Amazon, सो अगेन ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है, देन Flipkart. सो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को आईफोन 11 ने दोबारा से लोड कराया बट आईफोन 12 एंड 13 ने नहीं कराया, देन हॉटस्टार. सो तीनों फोन्स ने दोबारा से लोड कराया. देन लॉन्च करते हैं प्राइम वीडियो. सो अगेन तीनों फोन्स की मेमोरी में है, देन स्पॉटिफाई ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में एग्जैक्टली सेम, देन सबवे सर्फर्स ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है. देन ओपन करते हैं फ्रूट निंजा. सो आईफोन 12 ने इसको दोबारा से लोड करा एंड सरप्राइजिंगली आईफोन 11 की मेमोरी में जस्ट लाइक आईफोन 13. सो अब तक देखने से ऐसा लग रहा है दैट तीनों आईफोन्स काफी सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं एंड आपको कभी कभार एक आधा एप्लीकेशन या फिर गेम में डिफरेंस देखने को मिल रहा है. जेटपैक जो राइट तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है. देन लॉन्च करते हैं अगली गेम पिन आउट. सो अगेन ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है. देन लॉन्च करते हैं BGMI एंड फाइनली ये गेम भी तीनों ही फोन्स की मेमोरी में है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. इसके बाद हम चेक करते हैं वीडियो रेंडरिंग. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्क्रबिंग की, सो तीनों आईफोन्स में आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा. सो आप तीनों फोन्स में काफी अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो विदाउट एनी लैग और स्टटर. सो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एग्जैक्टली सेम फिल्टर एंड देखते हैं यहाँ पे रेंडरिंग स्पीड में कितना डिफरेंस रहता है. सेटिंग्स कर देते हैं मैक्सिमम 4K 60 FPS, देन सेव वीडियो. सो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में आईफोन 13 स्लाइटली फास्टर था बट आईफोन 11 एंड 12 ने काफी जल्दी कैचअप कर लिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फोन्स की जो रेंडरिंग स्पीड है काफी सिमिलर लग रही है एंड इनफैक्ट आईफोन 12 ने सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है देन आईफोन 11 उसके बाद आईफोन 13, बट जहाँ पे डिफरेंस है काफी ज्यादा मिनिमल है.
सो गाइस ये था इन तीनों फोन्स का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन लेटेस्ट iOS में। अब आपको प्राइस के हिसाब से किसकी परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर मनी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्पीड के अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस मिलते हैं, जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड इसी के साथ थर्मल हीट मैनेजमेंट। सो ऑल्दो आईफोन 11 ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, बट स्टिल ये आईफोन 12 एंड आईफोन 13 के कंपैरिजन में ज्यादा हीट हो जाता है, सो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। बट जिन लोगों को गेमिंग नहीं करनी है, नॉर्मल यूजर के लिए सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, आईफोन 11 विल परफॉर्म एज गुड एज आईफोन 13। सो गाइस कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताएं, कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।